यूपी के मुरादाबाद स्थित पाक बड़ा थाना पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मामला नवंबर माह का है, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी की गाड़ी चोरी हो गई थी, जिसके बाद शक के चलते उन्होंने संजय की हत्या कर दी थी और शव को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये गिरनौर के माफी गांव थाना पाकबड़ा में 10:50 की रात को एक व्यक्ति संजय उर्फ लाला की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उसके शरीर को रोड के किनारे छोड़ दिया गया था। इसमें FIR पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की गई। इसमें आज 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो इसकी हत्या में शामिल थे। इसमें नरेश, हरीशचंद और शोभित गिरनौर के माफी गांव के रहने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि जो मृतक है संजय, मृतक जो संजय है, उस दिन शराब पी के उसके घर के पास में लेटा हुआ था और नशे के हालत में गालियां दे रहा था, और ये तब अपने घर से बाहर निकला है और इसको घसीटते हुए ले गया है और शोभित के खेत के पास उसे छोड़ दिया है। उसके बाद ये वापस आया है और अपने दूसरे साथी हरीशचंद के साथ मिलकर इसके सर पे इन्होंने प्रहार भी किया है, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। और उसके साक्ष्य को मिटाने के लिए इसको घसीटते हुए रोड तक ले गए हैं, ताकि लोगों को लगे कि किसी एक्सीडेंटल के कारण इसका इस तरह से मृत्यु हुई है। बाद में जो देखा गया, विवेचन में पाया गया कि जो शोभित है, इसके खेत में ये जो वारदात हुई, जो साक्ष्य थे, उसको मिटाने के लिए इसने सुबह सुबह अपने खेत को जोत दिया, ताकि कोई साक्ष्य प्राप्त न हो सके। इस प्रकार नरेश, हरिश्चंद और शोभित को आज गिरफ्तार किया गया है, जो संजय लाला के हत्या की।